हेलो एवरीवन, अंताजुलन आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं एक पैटर्न बना रही हूँ, उसमें मैंने 31 फंदे डाल रखे हैं। ये 2 फंदे सीधे, 4 उल्टे बना रखे हैं। अब मैं 9 फंदे इस तरीके से बनाऊँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे, ये 10 फंदे में मैं इस तरीके से धागा डालूँगी। इसको ज़रा ढीला ढीला ऐसे बनाओ, एक बार, ये दूसरी बार ऐसे ढीला, फिर धागा आगे, फिर तीसरी बार, फिर धागा आगे, चौथी बार, धागा आगे, पांचवी बार, धागा आगे, ये छठी बार। 6 बार मैंने इसमें धागा डाल दिया। फिर 9 फंदे फिर मैं इसी तरह सीधी बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे, 4 मैंने उल्टे बनाने ऐसे। 1, 2, 3, 4, 2 सीधे, 5 वाली रो इस तरीके से मैं बनाऊंगी। 2 ये उल्टे, जो ये आगे उल्टे दे रखे थे इनको अब 4 सीधे बनाऊंगी। ये 4 सीधे बना दी, इन 9 ऐसे सीधे बनाने। अब जो मैंने एक ही फंदे में ये 6 फंदे डाल रखे थे, ये मैं अब एक साथ ऐसे बनाऊंगी, ऐसे ढीला करके। अब इस तरीके से ये वाले फंदे, 12 फंदे मैंने इस नीडल में इस तरीके से डाल दी। अब मेरे को ऐसे बनाना है, इनको थोड़ा ढीला होना चाहिए बनाने में। ये 6 फंदों का, ये 12 फंदों का एक बना। अब मैंने ये 4 उल्टे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीधे बना रखे हैं। अब ये 8वें में मेरे को इसी तरीके का बनाना है। एक बार ये बन गया, इनको थोड़ा ढीला डालना है। दूसरी बार ये बना, तीसरी बार, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 फंदों का बना दिया मैंने। फिर इसको धागा आगे लेके ऐसे उल्टा देना, ये वाला सीधा, फिर ये उल्टा, ये
ये बीच वाला जिसमें बना रखा था ये सीधा देना है, इसका बगल वाला भी उल्टा और ये भी उल्टा, फिर उसके बाद धागा पीछे, फिर इसमें एक बार दो तीन चार पाँच ये छः बार, अब मेरे को सात फंदे ये सीधे बनाने हैं, चार उल्टे, फिर बैक रो में बता दी मैंने, बैक रो में ये बना दी ये सीधी और ये उल्टी, और ये फंदे इसमें डाल दिए, जो मैंने ये बगल वाला फंदा उल्टा दे रखा था इसको अभी मैं बताती हूँ। पहले इनको इस तरीके से एक बनाओ, इसका एक बन गया, इसको ऐसे इसके साथ ये उल्टा ही देना है, ऐसे ये उल्टा और ये सीधा, ये उल्टा। अब ये इस तरीके का दिखेगा, फर्स्ट में मैंने एक दिया था, इसमें एक उल्टा इस साइड एक इस साइड था, फिर दूसरी रो में एक इस साइड उल्टा एक इस साइड उल्टा और ये सीधा, ये जो अंगूर के दाने जैसे हैं इसमें सीधा आएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। दो फंदे ऐसी, चार उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच, चार बना दिए मैंने, ये पाँचवा ऐसे बना के इस तरीके से इसमें जाली देनी, धागा आगे, इसको सीधा ऐसे बनाना, फिर ये उल्टे में उल्टा देना है, ये सीधे में सीधा, ये इस तरीके से, ये उल्टे में उल्टा सीधे में सीधा। अब ये वाला बना के फिर मैं एक जाली और दूंगी यहाँ पे, ये बन गया, और इसमें इस साइड से ऐसे जाली दे दो, धागा आगे, ये वाला फंदा बगल वाला ये जाली दे दो, इस तरीके से बना के पीछे वाली रो दिखाती हूँ। इस टाइप का इनको बनाते समय हमेशा ढीला धागा देना है, वे जाली वाला फंदा इस तरीके से ही बनाना है इसको सीधे, ये भी सीधा और ये उल्टा वाला उल्टा, इधर से उल्टा इधर से सीधा। अब जो बीच वाला है ये बीच वाला फंदा और दो ये साइड के उल्टे, इस तरीके से इसको इसके साथ दो का एक करना, ये देखिए इसको दो का एक नहीं करोगे तो ये जाली दे रखी है दो बढ़ जाएंगे, दो का एक, फिर ये आगे वाला फंदा इस तरीके से लेके ये आगे वाला इसके ऐसे कर दीजिए, ये बन गया,
फिर ये वाला फंदा ऐसी, और ये सीधा, ये उल्टा, और ये जाली वाला ऐसे बनाना, फिर ये उसी तरीके से बनाना। ये एक पैटर्न है मेरा, दो जाली और देनी पूरा हो जाए, दो जाली दूंगी और दो बार बीच में इसी तरीके से कम करूंगी, दो का एक करके। अब इस तरीके का बन गया है। अब ये पैटर्न मैं यहाँ पर आके बताती हूँ आपको। अब ये जो जाली वाला फंदा है ये इस साइड इस बना लेना है। अब इस साइड से जाली देनी है इसकी, इस साइड से इस तरीके से जाली देना है। ये उल्टे में उल्टा बनाना, सीधे में सीधा, और ये आप तीन सीधे आएंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से उल्टा और ये सीधा। ये जाली इस साइड से ही पड़ेगी। अब ये पीछे वाली रो में यहाँ पैटर्न की जगह आ गई मैं, ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं उल्टे पीछे, ये आगे सीधे हैं, इसको भी ये दो का एक करना है ऐसे। एक फंदा कम हुआ, और ये आगे वाले फंदे को इसके साथ ऐसे ले लो। ये दो फंदे यहाँ पर कम हो गए, दो फंदे जाली के बढ़ गए, एक इस साइड से एक इस साइड से। ये सीधा, ये उल्टा, और ये जाली का ये वैसे सीधे बनाने। अब ये ऐसे बनाए सीधे, जो ये वाला फर्स्ट वाला मैंने इसमें डाल रखा था, अब ये वाला पैटर्न एक पूरा हो गया है। अभी दूसरा यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए ऐसे एक फंदा ऐसे ले लो, छः छः बार मैंने इसको ले लिया। अब वैसे ही बनाना है इसी तरीके से। ये पीछे बैक रो में दिखाती हूँ आपको, इसी तरीके से मैंने ये भी बना दिया। अब मैं लास्ट में इसमें ये तीन फंदे जो बचे हैं, तीन का एक बनाऊंगी यहाँ पे, और फिर जैसे ये शुरू हो रखा है ऐसे इसके ऊपर शुरू होगा। ये बन गया तीन का एक, ये जाली वाला ऐसे बना के ये पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने पहले भी आपको नीचे बता रखा है इस तरीके से बनाना है। ये देखिए आप, इस तरीके का पैटर्न बन चुका है मेरा। ये पैटर्न मैंने बना दिया, आप इसको लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, कोई भी स्वेटर में इसको डाल सकते हो। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का, ये अंगूर के जैसे कुछ है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।